वेलकम टू बिसु जी के यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी साइंस क्लास का जो हो रहा है 6 to 12 का, करीब 2000 क्वेश्चन का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन, जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। ये एनसीईआरटी कौन नहीं पढ़ता, यूपीएससी वाला, स्टेट पीसीएस वाला, हाँ रेलवे और एसएससी, तो पूछेगा कहाँ से भाई। एनसीईआरटी सही ना, एनसीईआरटी बेस्ड, ब्लूसेंट कहाँ रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड। देखो ना वीडियो, ठीक है तो शुरू करते हैं। अगर नए हो यूट्यूब चैनल पे मेरे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो अच्छा लगे तो, और शेयर जरूर करो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, व्हाट्सएप, यूट्यूब सॉरी फेसबुक और टेलीग्राम, ठीक है तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए गैल्वेनाइजेशन, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी आयनन, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय है? ऑप्शन है ए 4.2 सेकेंड, बी 42 सेकेंड, सी 4.2 वर्ष, डी 42 वर्ष। तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय है 4.2 वर्ष। तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारा, सूर्य के बाद जो है पृथ्वी से निकटतम तारा वो कौन सा है, कमेंट में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के नजदीक जो है तारा, उसको कमेंट में लिखना है कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4.2 वर्ष। नेक्स्ट, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी शैवाल। तो खसरा विषाणु के कारण होता है, खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चार नंबर देखिए, डिप्टेरिन लार्वा के लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुण सूत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए लैंप ब्रूस क्रोमोसोम, ऑप्शन बी सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी पॉलिटीन क्रोमोसोम, ऑप्शन डी बीटा क्रोमोसोम। तो डिप्टेरिन लार्वा के लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुण सूत्र कहलाते हैं पॉलिटीन क्रोमोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार का सही आंसर है ऑप्शन सी पॉलिटीन क्रोमोसोम। डिप्टेरिन लार्वा के लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुण सूत्र कहलाते हैं पॉलिटीन क्रोमोसोम। नेक्स्ट, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल, बी इथाइल अल्कोहल, सी स्टार्च, डी शर्करा। इसका सही आंसर है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, चिकनगुनिया होता है एक ए अनुवांशिक रोग, बी अभाव रोग, सी रोगजनक जन्य रोग, डी जन्मजात रोग। तो चिकनगुनिया होता है एक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रोगजनक जन्य रोग। चिकनगुनिया होता है एक रोगजनक जन्य रोग, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए अस्थि रोग, बी हृदय रोग, सी शिशु रोग, डी नेत्र रोग। पीडियाट्रिक्स इनमें से शिशु रोग से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से अध्ययन, शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही है शिशु रोग। डी ईसीजी सॉरी एट, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी गुर्दा, डी फेफड़ा। तो ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय के रोग का पता लगाने के लिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हृदय। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग की जाती है? हृदय के रोग के बारे में पता करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हृदय। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब होती है कितना? ऑप्शन ए 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 85 डेसिबल, ऑप्शन सी 125 डेसिबल, ऑप्शन डी 155 डेसिबल।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 85 डेसिबल। मनुष्य मतलब हमारे लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होती है। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस इनमें से किनका मिश्रण है? ऑप्शन है ऑप्शन ए CO+N2, ऑप्शन बी CO+H2, सी है CO+H2+N2, डी है CO2+NH2। मैंने जब पढ़ा इसके बारे में, प्रोड्यूसर गैस के बारे में, तो देखा मैंने इसका आंसर जो आ रहा था, एक सेकंड, इसका जो आंसर आ रहा था ये आ रहा था CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। लेकिन फिर मैंने जब वाइजूज और वेदांतु पे देखा तो उसका सही आंसर ये आ रहा था CO+H2+N2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूसर गैस का। आप लोग देख लेना जो भी है, ये NCERT का है। तो आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कक्षा की संख्या को 10 से व्यक्त किया जाता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एन स्क्वायर, ऑप्शन सी 2N², ऑप्शन डी 2N³। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2N² यदि कक्षा की संख्या को 10 से व्यक्त किया जाता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2N². नेक्स्ट, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, ऑप्शन ए फिलोक्विनोस, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी साइनोकोबा कोबालामाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है उसको कहते हैं फिलोक्विनोस। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है उसको कहते हैं फिलोक्विनोस। नेक्स्ट, मुख्य वायु प्रदूषक होता है, कौन सा गैस है जो कि मेन है वायु एयर पोल्यूशन के लिए? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी गंधक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक होता है, जो है मेन रोल अदा करता है एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, तृतीया का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CuS, ऑप्शन बी CuOH2, सी CuCl2 2H2O, ऑप्शन डी CuSO4 5H2O। इसका सही आंसर है तृतीया का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन डी CuSO4 5H2O। तृतीया का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन ए हानिकारक कीटों को नष्ट करके, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी भूमि को पोल करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूमि को पोल करके। केचुआ किसानों को भूमि को पोल करके उसको लाभ पहुंचाता है किसानों को। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पोल करके। नेक्स्ट, एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम है? ऑप्शन ए एंजाइम, बी कवकनाशक, सी एमिनो अम्ल, डी ऑक्सीन। देखो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अच्छा लगे तो लाइक करो, और जो नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और शेयर जरूर करो। मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीन। एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम है ऑप्शन डी ऑक्सीन। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया डी डी ऑक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध तत्व कौन सा है, इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध तत्व इनमें से है सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम एक शुद्ध तत्व होता है, सोडियम एक शुद्ध तत्व होता है। ठीक है, शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए चिप, बी बाइट, सी बग, डी बिट। तो कंप्यूटर में आंकड़ों में जो अशुद्धि होता है उसको कहते हैं बग, सी। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग, ऑप्शन सी सही है।
ठीक है, कंप्यूटर आंकड़ों में शब्द को कहा जाता है बग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन डी इसका सही है, ग्रीक भाषा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पसीने की ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन डी गुर्दा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो वीडियो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।